प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न नोटिफिकेशन ऑन। तो दोस्तों ये देखें हमारी विंडोज 8.1 बन गई, मतलब कि दूसरी विंडो हमारी यूएसबी के अंदर बन चुकी है, मतलब कि स्टोर हो गई है, बूटेबल बन चुकी है। अब जैसे जॉब डन लिखा हुआ है, इसको ओके करें। ओके करने के बाद फिर आप देखें यहाँ पे यूएसबी सेलेक्ट कर ले आपकी 16 GB की, ठीक है। इसमें देखें आपकी 6 GB आपकी स्पेस बता रहा है अभी फ्री है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको एडवांस में जाना है, एडवांस में जाने के बाद कस्टम मेन्यू नेम्स पे चेक लगाना है, तो उसके बाद आपको सेकंड पे चेक लगाना है। सेकंड पे चेक लगाने के बाद ब्राउज़ करना है, ब्राउज़ कराने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में आने के बाद यहाँ पे विंडोज़ 10 रखी हुई है, विंडोज़ 10 को आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लें इसको। तो विंडोज़ 10 है वहाँ पर रखी होगी, यहाँ पे कितने GB की है, ये है 4.29 GB, ठीक है। तो इस तरह आप इंस्टॉल कर लें इसको, ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पे आप गो पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे नाम का पूछेगा, विंडोज़ का नाम क्या रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे रख देते हैं विंडोज़ विन 10 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे लिखा है 5 and 35 करेक्टर अलाउड है इसमें, ठीक है। मतलब कि 5 करेक्टर भी अलाउड हैं और 35 भी करेक्टर अलाउड हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विंडोज़, ठीक है। फिर उसके बाद स्लैश लगाएंगे, स्लैश नहीं और स्लैश लगा देते हैं, फिर 10 लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ओके कर दें, तो आपकी विंडोज़ 10 भी इसके अंदर बूटेबल बन रही है, ठीक है। आपकी दो विंडो तो आप इसके अंदर आ गई, अब ये तीसरी विंडो आ रही है विंडोज़ 10, ठीक है।